बैंक बन गई थी, वहां पर जब जनादेश आया है तो कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। इसी पर बात करेंगे, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ बीजेपी के नेता के रूप में प्रवक्ता निशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच शेयर करेंगे अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने सुनाया कि कांग्रेस इस आंकड़े से काफी उत्साहित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा कि हम दूसरे लोगों से भी संपर्क करेंगे जो कि हमारे गठबंधन में जुड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा, अपनी बहन को इसके लिए धन्यवाद दिया कि यूपी की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इन दोनों का क्या मायने है, क्या सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस? अमरजीत चावला जी से पहले समझने की कोशिश करते हैं। चावला जी, जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा दूर है, फिर भी क्या सरकार बनाने की कांग्रेस कोशिश करेगी? अब तो स्थितियां साफ हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान को धन्यवाद देना चाहता हूं। हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि जनता ही जनार्दन होती है और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एक आदमी का अहंकार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, देखिए एक आदमी जब अपने आप को पार्टी से भी बड़ा समझने लग जाता है, जैसा कि मोदी जी ने कहा, भाजपा की गारंटी के रूप में कहीं उल्लेख नहीं हुआ, हर जगह मोदी की गारंटी का उल्लेख हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में पहली बार लोगों ने यह देखा कि राजनीति में एक शीर्ष स्थान पर बैठे हुए आदमी की भाषा का स्तर इतना नीचे हो गया। वो लगातार चुनावों में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते रहे, उससे यह परिणाम तो आना ही था। रही बात सरकार बनाने की, तो निश्चित तौर पे हमारा जो अलायंस है, हमारा जो इंडिया जनबंधन के जो तमाम पार्टियों के नेता है, कल हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में कल बैठक होनी है। बैठक के बाद अलायंस के सारे मित्र जो मिलकर डिसाइड करेंगे, उस दिशा में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी और जनतंत्र का सम्मान करते हुए जो देश हित में होगा वैसा निर्णय इंडिया गठबंधन लेगी। क्या संकेत माने खड़गे जी जो कह रहे हैं, और लोग भी जुड़ेंगे जो अभी आप लोगों का गठबंधन है, जन गठबंधन जिसे कह रहे हैं, उसमें और लोग आएंगे क्या? और जो लोग उनके साथ थे यानी एनडीए में थे, उनके लिए भी क्या दरवाजे खुले हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इस चुनाव के परिणाम आने के पहले ओडिशा के बीजू पटनायक, बीजेडी के साथ जिस प्रकार मोदी जी की भाषा थी, या ममता बनर्जी जी के साथ जिस तरह की उनकी भाषा थी, या नीतीश कुमार जी के साथ समय समय पर उनकी भाषा बदलती रही है, या महाराष्ट्र में उन्होंने जो किया, या उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करके डर और भय का वातावरण बनाया, तो निश्चित तौर पर यह मैं मानता हूं कि अब लोगों को मौका मिल गया है खुलकर सामने आने का। अब वो सारे लोग मिलकर एक झंडे के नीचे आएंगे और इस देश की खुशहाली के लिए भय के वातावरण से मुक्त होकर जो एक अच्छा माहौल बनाने का जो काम होगा, उसके तहत समान विचारधारा, जो लोग संविधान का सम्मान करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, जो हिंदुस्तान के सभी वर्ग धर्म जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसे सारे लोग कल एक मंच के नीचे आएंगे और निश्चित तौर पे कल एक खुशनुमा माहौल में एक शानदार शुरुआत हिंदुस्तान कल करने जा रहा है। चलिए, एक शानदार शुरुआत की तैयारी है, संकेत है कि कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं इंडिया गठबंधन, वो भी दावा ठोकेगा सरकार बनाने का। निशिकांत जी, थोड़ा सेटबैक है पर आकलन अपना अपना है, बीजेपी इस पूरी परिणाम को कैसे देखती है? क्या इस बात से उदास हैं क्या कि सीटें कम आई हैं? मोहन जी आपको नमस्कार, चावला जी को नमस्कार और चौबे जी को नमस्कार। जो आपका प्रथम प्रश्न है, सेटबैक है, बिल्कुल सेटबैक है, निराशा है, बिल्कुल है। हम अपेक्षित नहीं कर रहे थे, ऐसा अपेक्षा नहीं था कि ये हमारी सीटें इतनी पैक रुकी होंगी। हम सोच रहे थे और हमारी कल्पना भी थी, हमारा इंट्रोस्पेक्ट था कि हम इससे कहीं बेहतर करेंगे। लेकिन तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कोई गठबंधन बना रही है जिसका नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जो अभी चावला जी बोल रहे थे कि एक व्यक्ति का अहंकार बोलता है, बोल रहा था एक व्यक्ति का अहंकार, भूपेश है तो भरोसा है, सरकार चली गई प्रदेश से, राजनांदगांव से चुनाव हार गए, ये होता है अहंकार। जब लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, जनहितैषी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में आप जाते हैं और अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक कार्यों को पहुंचाते हैं, तो परिणाम आपके समक्ष है। हम हारे हुए हैं क्या? हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत से ज्यादा की संख्या है। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं मैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इंडिविजुअल जितनी संख्या है उतना इंडी गठबंधन तक पहुंच नहीं पाया है। 98 सीट पे बैठी हुई कांग्रेस के पार्टी के चावला जी हमको बोल रहे हैं लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र की जीत तो है ही,
लोकतंत्र में जो भी जनादेश होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम आपके ऐसे थेथोलॉजी तो चला नहीं सकते, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, दुनिया खराब है, फल्ला ढकना खराब, ऐसा नहीं कर सकते। जनादेश जो आया है वो सर माथे पे, लेकिन अभी भी हाथी ज्यादा ऊंचा है आपसे। आप ये कल्पना मत कीजिए और आप ये मत दर्शाने का कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पूर्ण बहुमत से ऊपर है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एनडीए का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कोई भ्रम में है तो उस कल्पना से बाहर आइए। चावला जी, पुनः आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। पूरे देश के 65 करोड़ 64 करोड़ जनता जिन्होंने मतदान किया है उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रयास को, परिश्रम को सलाम करता हूँ और जो जनादेश हमारे सामने है, समक्ष है, उसको इनकार नहीं कर सकते। ये परिणाम हमको मतलब स्वीकार तो अवश्य है लेकिन अपेक्षाकृत नहीं है। इस पे इंट्रोस्पेक्ट किया जाए कि महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश में कहां क्या चूक रही, क्या समस्या रही। क्योंकि मोहन जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में ही ये इंडी गठबंधन ने एक भय का वातावरण बनाया कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। क्या उसका परिणाम है ये? तो ये इंट्रोस्पेक्ट करना है। हम आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और पुनः जनता के बीच में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार नहीं बन रही है ऐसा कल्पना मत कीजिए। सरकार बनाने की कोशिश करने वाले हैं, सरकार बनाएंगे तो आप लोगों के गठबंधन के साथ ही टूटेंगे। गठबंधन के साथ ही अगर टूटे होते, सोचिए आप मोहन जी, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, एनडी गठबंधन क्या है? बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति कमोबेश हर जगह है। यहाँ गठबंधन कुछ नहीं है, ये ठगबंधन था। लेकिन जनादेश का अपमान हम नहीं कर सकते। इनको बहुत अच्छा संख्या मिला है लेकिन इनको देश की जनता ने विपक्ष की संख्या दी है, पक्ष की संख्या इनको जनता ने नहीं दी है। अगर ये जनादेश का अपमान करेंगे तो लोकतंत्र की हत्या ना हम पहले किए और ना इनको करने देंगे। हम सशक्त सरकार बनाने की स्थिति में है। 293 अभी दिखा रहा है, 293 पर्याप्त होता है ये सरकार चलाने के लिए। ठीक है, चलिए, एक जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा इनके पास है। ऐसे में प्रयास करना भी क्या नैतिकता है क्या? चावला जी, एक बार इनको जनादेश मिल गया तो क्या इसे सहर्ष स्वीकार नहीं करना चाहिए आप लोगों को? नहीं, देखिए, हम तो सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, जनता जनार्दन का सम्मान करते हैं। मैं इनकी तरह आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। देखो, इन्होंने जनता जनार्दन के फैसले का भी अपमान कर दिया कि हमने बरगलाया, मतलब जनता की सूझबूझ पर आप क्वेश्चन मार्क करें। देखिए, आप पहली बार हिंदुस्तान में, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, जीत हार अपनी जगह है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश ने देखा कि शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ एक इंसान ये कहता है कि महात्मा गांधी की जब पिक्चर आई उसके पहले महात्मा गांधी जी को जानता कौन था। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी शीर्ष स्तर पर बैठा है। आज विश्व में 137 देश से ज्यादा के लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं और शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ आदमी ना महंगाई पर बात करके राजी है, ना बेरोजगारी पर बात करके राजी है। जब भी उनसे इस तरह की बात करो तो मटर, मुर्गा, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुजरा पे बात करता है। हमारे लिए म का मतलब होता है मोहब्बत, हमारे लिए म का मतलब होता है मजदूरी, हमारे लिए म का मतलब होता है मोहब्बत के साथ साथ मनरेगा जैसी योजनाएं, और आपके लिए म का मतलब क्या होता है? मुजरा और मंगलसूत्र। तो ये जब देखा लोगों ने कि ये स्थितियां कहां जा रही है, आज देश कहां जा रहा है, इनके लिए तो हिंदुस्तान का जन्म ही 2014 के बाद हुआ। 2014 के पहले हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके थे, हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत चुके थे, हम चंद्रयान भेज चुके थे, हम परमाणु परीक्षण कर चुके थे, इस देश में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति जैसी योजनाएं आ चुकी थी, इस देश में सूचना का अधिकार और मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजनाएं आ चुकी थी, हम परमाणु परीक्षण कर चुके थे, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके थे। उसके बाद ये कभी भी महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते। ये जनादेश नहीं मानते, इसको मैंडेट मिला है कि नहीं मिला है बीजेपी को? नहीं, ये मैंडेट मिला है, पर चिंता का विषय ये है कि इनको ये सोचना चाहिए कि इनकी देखो, सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया था कि ये कहते थे कि जो राम को लाए वो राम को लाए वो इनको भी लाएंगे। अयोध्या में जनता ने इनको धूल चटा दी। ये हिंदुस्तान का मैंडेट है कि जो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम का उपयोग धर्म की राजनीति का
का उपयोग अपनी पार्टी के लिए करते थे। अयोध्या के परिणाम ने बता दिया कि इस देश की जनता चुप रहती है और समय आने पर मुंह तोड़ जवाब देती है, और वो जवाब इनको जनता ने दे दिया। ठीक है, और इसमें एक बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की भी मानी जा रही है, और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया उसको श्रेय दिया है राहुल गांधी ने। तो क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने वो भी सुन लीजिए। बहुत खुशी, आप कहना चाहेंगे यूपी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया, और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। ठीक है, यूपी ने कमाल कर दिया है, राहुल गांधी ने भी ये बात कही और प्रियंका गांधी ने भी अब यूपी की जनता को धन्यवाद दिया है। अब ऐसा लगता है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी ही रखेंगे, वायनाड जो है वो सीट खाली करेंगे, लेकिन ये अभी भविष्य के गर्त में है। और यूपी को एक तरीके से सत्ता की चाबी के रूप में कांग्रेस देख रही है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अनिल चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, यूपी में डबल इंजन सरकार, योगी का मॉडल, मोदी का मॉडल, मोदी वहीं के आते हैं, फिर भी वहां हार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, क्या कारण लगता है? क्या ध्रुवीकरण हो गया क्या जिसके कारण से हार हुई है बीजेपी की? देखिए, उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी और उनके तमाम स्टार प्रचारक जो है एक तरफा बातचीत कर रहे थे, जिसको जनता लाइक नहीं कर रही थी। अंदर से बात यह है कि हिंदू मुस्लिम वो विकास की कोई बात नहीं कर रहे थे, ना बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब रहा सवाल राम मंदिर का, राम मंदिर को लेकर जैसे कि अयोध्या में ही चुनाव वो हार गई भाजपा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में राम मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में मतलब अयोध्या में जिस तरीके से लोग उनसे नाराज थे, अंदर ही अंदर उनका वो सब चल रहा था, उसका परिणाम है कि वो वोटों में कन्वर्ट हुआ। लेकिन कुल मिला के मोहन जी, इस आज 18वां लोकसभा का ये जो जनादेश पूरे देश में प्राप्त हुआ है जनता के द्वारा, ये बहुत ही लोकतंत्र को बचाने वाला है। इधर भी तो 235, 236, 237 के आसपास हैं, इधर 290 के आसपास हैं, तो अब ना तो सत्ता पार्टी डिक्टेटरशिप कर सकती है ना विपक्ष कर सकता है। मैंडेट बहुत अच्छा मिला है, और दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो एक बारीक सी लाइन है, सरकार ये भी बनाने के लिए तत्पर है, सरकार वो तो उनको मैंडेट मिले ही हुआ है। अगर वो दोनों उनके बड़े घटक दल नीतीश कुमार का, हाँ नीतीश कुमार और टीडीपी वाले जो हैं, अगर ये थोड़ा दाएं बाएं होते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा इस देश के लिए कि फिर से इलेक्शन की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि बहुत हौसपौज स्थिति बन जाएगी, वो ज्यादा दिन तक फिर ये 18वीं लोकसभा चल नहीं पाएगी, वो फिर इलेक्शन में ढकेल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है। और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को हार हुई है उसमें एक बड़ा नाम स्मृति ईरानी, उन्होंने हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने वो भी आपको सुनाते हैं। जिन्होंने संघर्ष का झंडा जनता पार्टी की एक पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने अमेठी में संघर्ष शुरू किया 1970 के दशक में, एक पीढ़ी ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं
नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजवान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पद पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। इस मंच पर भारतीय जनता, ठीक है, तो एक वो लाइन जो कि दिल को छू जाती है हर बार, अटल जी की बोलकर स्मृति ईरानी ने बताने की कोशिश की है कि वो हार से विचलित नहीं है और हार के बाद उन्होंने अमेठी की जनता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी, जिनकी अमेठी में हार हुई है, और ये कांग्रेस के मनोबल को बढ़ाने वाला इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर गांधी परिवार नहीं लड़ा और उसके बावजूद वहाँ पर जीत हासिल हुई है कांग्रेस को। चलते हैं निशिकांत जी के पास। निशिकांत जी, ये उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए अबूझ पहली क्यों बन गया? वहाँ राम मंदिर भी बन गया, वहाँ इतने काम हो गए, दोनों सरकारें काम कर रही थी, फिर भी हार हो गई है। इसके लिए तो मंथन आप लोग किए होंगे प्रारंभिक रूप से, क्या आपको कारण नजर आता है? नहीं नहीं मोहन जी, प्रारंभिक रूप से कोई कारण नजर नहीं आता, इसको पहले आपको आकलन करना पड़ेगा। वास्तव में अगर स्पेसिफिक अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो विकास के कार्य हुए, चाहे सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, मंदिर की बात करें, अस्पताल की बात करें, ऐसे कोई काम नहीं है जो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई काम ना हुआ हो। उसके बाद अगर अयोध्या पे, जिस पे सीना चौड़ा कर रहे हमारे बड़े भाई, अयोध्या तक हार गए, कोई बात नहीं। हार जीत में, जनादेश में आपको स्वीकृति देनी है। आपने कहा चावला जी कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि आपने हिंदुस्तान के भी टुकड़े किए, वो नहीं बता सकते आप देश की जनता को। विषय ये है कि ये जो जनादेश आया है हमारे उम्मीद के अनुसार नहीं आया, लेकिन हम हारे नहीं है। 99 सीट पे कांग्रेस पार्टी बैठ के 244 सीट पे बैठी हुई भाजपा को बोल रही है कि नैतिकता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें। जब 44 पे आए तो इस्तीफा दिए थे क्या आप? जब 52 पे आए थे तो इस्तीफा दिए थे क्या आप? अब भी कांग्रेस पार्टी 100 सीट नहीं पा सकती, सबसे पुरानी 125 साल पुरानी पार्टी अगर देश में 100 सीट नहीं पा रही है तो नैतिकता आप में होनी चाहिए। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हार कौन रहा है। हम तो आज भी 2 बार की लगातार सरकार चलाने के बाद 244 में बैठे हैं। आप बताइए ना, 2 बार सरकार चलाने के बाद 44 में बैठे थे, हम 244 में बैठे हैं, तो कितना बड़ा अंतर है। लेकिन मोहन जी, ये वास्तव में आकलन करने का विषय है, आकलन हम अवश्य करेंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये 4 जगह से मोटा मोटी हमें सीट कम आई है। बाकी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में चावला जी बैठे हैं, भूपेश दाऊ तक चुनाव हार गए। कौन भूपेश दाऊ? फलाना है तो भरोसा है के नाम पे 4 महीने पहले चुनाव लड़े थे, मुंह की खाए ऐसी मारी टंगरी की सोया जगह नहीं। विषय मात्र ये है कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आप देखिए क्लीन स्वीप करके आ रहे। दिल्ली में दोनों ठगबंधन चुनाव लड़े थे, क्या परिणाम आ गया? 7-7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसे कई स्टेट है, लेकिन महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमको कम सीट मिलना ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना काम करने के बाद 500 वर्ष की पुरानी समस्या को समाधान हुआ, शानदार मंदिर बना, उसके बाद ये स्थिति प्रकट होती है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन अपने बात को बरगलाने में, लोगों को बरगलाने में, ये बात पहुंचाने में
सार्थक हुई कि संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, अब चुनाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शायद अभी तो ये लंबा समय लगेगा इसको समझने में कि आखिर क्या हार हुई, कितने से हार हुई, कैसे हार हुई, लेकिन हम जरूर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और बैंकॉक में नहीं चिंतन करेंगे, हम उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में चिंतन करेंगे और महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम बैंकॉक में जाके चिंतन करने चले जाए, ऐसा करते हम डराया धमकाया, एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लोग डर गए और कांग्रेस को उन्होंने वोट कर दिया, ये कहा जा रहा है। हमारे भाजपा के प्रिय मित्र निशिकांत जी कह रहे थे इस्तीफा देने वाली बात, तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं मैं कि जो इंसान सोया हो उसे जगाया जा सकता है, पर जो जागते हुए सोने का नाटक करता उसे जगाया नहीं जा सकता। 2019 के परिणाम के बाद राहुल गांधी जी ने तुरंत इस्तीफा दिया था और पूरी कांग्रेस पार्टी कई समय तक उनको मनाती रही, पर उन्होंने वापस पद ग्रहण नहीं किया। नंबर एक। नंबर दो, देखिए बात जीत हार की नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी है, इस देश की माटी में हमने जन्म लिया, हमारा नैतिक दायित्व तो होता है कि हम अपने देश के पहले बात करें, राजनीति अपनी जगह है। देखिए अगर आप घोषणा पत्र में 48 पन्नों में फोटो मोदी जी की छपाते हैं, भाजपा की गारंटी के बजाय आप मोदी की गारंटी पे बात करते हैं, उनकी विधानसभा जहां वो कहते थे कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया तो मैं आया हूं, जो बनारस की तुलना क्वेटा से करते थे, जिस बनारस में 5 दिन तक योगी आदित्यनाथ और उनके 9 केंद्रीय मंत्री बैठे रहे, 10 लाख से जीत का टारगेट जो लेकर चल रहे थे, वहां मात्र 1.5 लाख से आपकी जीत हुई, उसके बाद आप चिंतन नहीं करना चाहते। आपको याद दिला दूं निशिकांत जी, इस देश में पहली बार हमने देखा कि मणिपुर में कैसे हमारी एक निवृस्त्र बहन के साथ अपमान करके पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में खराब किया, कैसे अंकिता भंडारी कांड हुआ, कैसे टेनी के बेटे गृह मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, कैसे दिल्ली बॉर्डर में 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उसका परिणाम है तमिलनाडु में आपका खाता नहीं खुला, पंजाब में आपका खाता नहीं खुला, हरियाणा में आप 5 सीट हार गए, राजस्थान में आप 14 सीट हार गए। इस परिणाम से आपको सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हम राजनीतिक दल के लोग जरूर हैं, पहले हमारी प्राथमिकता लेकिन इस देश के लिए है, जाति धर्म के नाम से लोगों को लड़ाना, जीडीपी में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा देना और सिर्फ धर्म जात के नाम से लड़ाकर वोट प्राप्त करना, एक बार आप कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, पर बार बार ऐसा नहीं कर सकते। ये परिणाम इस देश के बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आपने लोकतंत्र का अपमान किया, आपने 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, आपने शिवसेना का सिंबल चुरा लिया, आपने शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, आपने ऑपरेशन लोटस चलाया। अरे आप जिनके खिलाफ आरोप लगाते थे वो भारतीय जनता पार्टी में जब प्रवेश कर लिए, आपकी वॉशिंग मशीन में प्रवेश करते सर वो सब ठीक हो गए, ऐसी कई गलतियां आपने की, उसका परिणाम यह है और इस परिणाम को आपको सच्चे दिल से स्वीकार करना चाहिए कि 303 से आप 240 में आ गए, सिंगल मैंडेट आपको नहीं मिला है, उसके बाद तो अब कई तरह की चीजें होंगी, तो परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होता, सच्चाई यही है कि यह मैंडेट महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, ये जाति धर्म की राजनीति, टकराव की राजनीति के खिलाफ है, ये हिंदू मुसलमान की योजना के खिलाफ है, मंदिर के नाम से लोगों को बरगलाने के खिलाफ है, इसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, आऊंगा पहले एक बार हम सुन लेते हैं ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है। अपने प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने और ये इस बार चुनाव में ये भी देखने को मिला है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी अपनी क्षेत्र में जीत हासिल करके बीजेपी को मात दी है। इसमें ममता बनर्जी क्या कह रही है सुनिए। ईडी की नोए आमी खुशी मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाईनी उनी क्रेडिबिलिटी लॉस करेछेन उनार इमीडिएट प्रधानमंत्री थेके रेजिग्नेशन देया उचित कारण उनी बोलेछिलेन इस बार 400 पार। আমি কি বলেছিলাম আপনাদের, আমি বলেছিলাম 200 পার হবে কিনা দেখে রাখুন কারণ কিছুটা হাতে রাখতে হয়, আমি বলেছিলাম পগার পার, এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি আর পায়ে ধরতে হচ্ছে নীতিশ। तो ये थी ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के बाद वो कह रही हैं कि नैतिकता के नाते अब पद में नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उधर नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है, फुल स्क्रीन में आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में क्या लिखा है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार 3री बार अपना विश्वास जताया है, भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है, इस स्नेह के लिए उन्होंने अपने परिवारजनों को नमन किया है, जनता को वो अपना परिवारजन मानते हैं और उनको नमन किया है। और इस ट्वीट से पता चलता है कि इस जीत से जीत को वो अभूतपूर्व बता रहे हैं और क्योंकि 3री बार किसी पार्टी को इतना बड़ा
समर्थन मिला है उसका जिक्र करने से भी वो इस ट्वीट में नहीं चूक रहे हैं। तो एक तरफ आलोचक लगातार आलोचना कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया इस ट्वीट के जरिए कि तीसरी बार जनता ने उन पर विश्वास जताया है। तो ये स्थितियां बन रही है, एक तरफ आलोचना, एक तरफ सरकार में जनता का धन्यवाद। चलते हैं अनिल चौबे जी की ओर और उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौबे जी, क्या माने अब क्या स्थितियां बनेंगी इस मैंडेट के साथ? मोदी सरकार बनाएंगे, किस तरीके की जोड़ तोड़ करेंगे? अमित शाह दोपहर से सक्रिय हैं, विलय हो जाएगा कई पार्टियों का ये भी कहा जा रहा है, क्या करेगी बीजेपी अब? देखिए, उनको मैंडेट तो मिल गया है, वो जादू आंकड़े से करीब 18 सीट उनके पास ज्यादा है, एक ठीक ठाक मैंडेट उनको मिल गया है। मेरे ख्याल से वो सरकार वो बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद वो उसको चलाएंगे भी, और इस बार जो उनको मैंडेट मिला है उससे मोदी जी थोड़ा सतर्क रहेंगे, मतलब पूरी भाजपा थोड़ा अलर्ट मूड पे रहेगी कि अब उसको जमीनी स्तर पर जो बेसिक मुद्दे हैं जिनको भाजपा कांग्रेस ने उठाया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब पे उनको काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो अगली बार फिर वो रवानगी उनकी पक्की है, क्योंकि जनता जो है अब ना तो हिंदू मुस्लिम के बरगलाने में आ रही है, ना वो मंदिर मस्जिद के मामले में आ रही, मंदिर बन चुका है, अब आप उसको नए सिरे से फिर से नहीं, क्योंकि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती, वो तो चढ़ गई, मंदिर बन गया, अब इन सब का मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा है सीधे सीधे जनता की सेवा का। अगर जो पार्टी करेगी वही राज करेगी, ये मोदी जी को समझना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ है कि मोदी जी की नो डाउट उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है और बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, अब उसके पीछे उनको आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। इसीलिए जो सारे विपक्षी दल हैं, जो आज अलग अलग घटक के लोग हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप तो बोल रहे थे 400 पार, 500 पार, 400 पार ऐसा कर रहे थे, आप तो अभी 242-243 पे अटके हुए हो, तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पूरी देश की जनता एक उपलब्धि है कि नहीं, क्योंकि वही तीसरी बार भी इतनी सारी सीटों के साथ आता है, ये भी तो एक उपलब्धि होती है। नेहरू जी के बाद वो उन्हीं का नंबर है। नहीं नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी उसके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इसमें कहीं कोई ये एक तरीके से उपलब्धि के रूप में रहेगा। उपलब्धि है ये, क्योंकि 10 साल में इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश में भी जो हुआ है उसका एक कुछ कारण ये भी है कि लोग बहुत दिनों से चिढ़ने लगते हैं, एक ही मुख्यमंत्री हो या एक ही हो तो। लेकिन मोदी जी को जिस तरीके से बनारस में मत मिले हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय है कि उनको अब चिंता करना चाहिए कि उनको क्या करना है, एक्चुअली जनता से जुड़ने के लिए क्या करना है। अब ये रोड शो, रैली, इन सब से काम नहीं चलने वाला, उनको सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा और जनता की सेवा करना पड़ेगा। वो कहते तो जरूर है कि मैं सेवक हूँ, अब लेकिन उसको धरातल पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो सतर्कता से काम करना होगा और कांग्रेस के लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बीजेपी की हार उसे कई तरीके के सीख भी देगी, तो वो अपनी कार्यशैली भी बदलेंगे। अब कांग्रेस क्या करने वाली है, कांग्रेस की कार्यशैली में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? अमरजीत जी, नहीं देखिए, हम लोग की जो पार्टी है ये तो स्वतंत्रता के आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी है, तो जिस पार्टी के ब्लड में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव है, तो निश्चित तौर पे हमारी पहली प्राथमिकता देश होती है, पहली प्राथमिकता देश का विकास होता है, पहली प्राथमिकता देश में रहने वाले देशवासियों का सम्मान होता है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए, देश में आपसी भाईचारा बना रहे, कौमी तहजीब, कौमी एकता का जो हमारा नारा है ये हमेशा बरकरार रहे, और मिलजुल के हम देश को एक नए सोपान में, और जो सच में हमारी सनातन परंपरा है जिसमें हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, उस परंपरा का हम निर्वहन करें, ना कि राजनीति का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करें, धर्म का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए करें, जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करें, महंगाई बढ़ाने का काम करें, यह हमारा काम नहीं होगा। हम अगर जहां भी रहे, हमारी सरकार बने तो, और हम विपक्ष में रहे तो, हम अपनी भूमिका सशक्त तरीके से निभाते रहेंगे, और देश और के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए जो हमसे हो पड़ेगा, हमारा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर कृतसंकल्पित है कि जो बेहतर से बेहतर होगा, हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम हम लगातार करते रहे। सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये तो बताइए। देखिए, हमारा ऐसा है कि
हम इनकी तरह नहीं है कि एक तानाशाही करें। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, निशिकांत जी के पास आंकड़े हो तो शायद मेरा ज्ञान वृद्धि के लिए बता दें कि पिछले 10 सालों में एनडीए की कितनी बार बैठक हुई है, एनडीए का संयोजक कौन है, ये नहीं बता पाएंगे। पर हमारा ऐसा नहीं है, हमने अगर इंडिया जनबंधन के नाम से अपने साथियों को साथ में लेकर चुनाव लड़ा है तो कल हमारी बैठक होगी जिसमें हमारे इंडिया जनबंधन के सारे वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित रहेंगे और सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो विचार निकल कर आएंगे, कांग्रेस पार्टी इंडिया जनबंधन के अपने साथियों के इस विचार के साथ सहमत होकर इस देश के विकास के लिए आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेगी। और जो आंकड़े आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो अंतिम होंगे जो कि आपके स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जिसमें 295 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है, जिसमें से ज्यादातर जो लोग आगे थे वो अब जीत चुके हैं। कुछ सीटों में अभी भी गिनती जारी है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के आंकड़े आपके सामने हैं, करीब 232 के आंकड़े को छू रही है इंडिया गठबंधन। 16 अन्य हैं जिन पर भी निगाह होंगी कि ये 16 किधर जाएंगे, क्योंकि ये 16 जिधर जाएंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अमित शाह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का हो सकता है। तो इस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और निशिकांत जी की ओर चलते हैं। निशिकांत जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आप लोगों के लिए काफी खुश करने वाला रहा, यहाँ अभी अभी सरकार बनी है, क्या इसी का परिणाम है कि यहाँ परिणाम को आप लोग संभालने में कामयाब रहे? योगी जी थोड़े पुराने हो गए थे इसलिए उनको नुकसान हो गया। नहीं तो दिल्ली में भी तो हमारी सरकार नहीं है जी, कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं है, ऐसे कई स्टेट हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई ने, चावला जी ने बड़ा बड़ा सवाल उठाया, ये बोले कि झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में चले गए उसके कारण परिणाम ऐसा है, तो दिल्ली में तो परिणाम बदला नहीं, झारखंड में परिणाम बदला नहीं, उत्तर प्रदेश में परिणाम बदला। उत्तर प्रदेश ये कहा कि दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आपने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जेल में डाला, आप उस बात को समझिए। मैंने ये नहीं कहा परिणाम उसकी वजह से आए, मैंने कहा सरकारी संस्थाओं का आपने जो दुरुपयोग किया। अरे तो दादा, अरे बगैर सबूत के, एक एक करके, हाँ ठीक है, चलिए ये कुछ मुख्यमंत्रियों को अंदर डाला इसलिए नुकसान हुआ क्या, ये बता दीजिए। तो इसका नुकसान कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, ऐसे कई राज्य है दादा। थोड़ा सा आकलन करें तो थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे तो बड़ा शानदार डिबेट हो सकता है, ऐसे अधूरा अधूरा ज्ञान लेके आप चलेंगे तो नहीं मजा आएगा। आप अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए, मेरा ज्ञान तो पूरा दुरुस्त है। कर्नाटक को थोड़ा नुकसान हुआ है, चलिए आपको कर्नाटक में नुकसान हुआ है, राजस्थान में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है जहां से प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे थे। और मैं आपको निशिकांत जी बता दूं, उत्तर प्रदेश में नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ को अपने लिए खतरा मान रहे थे और इनकी आपसी लड़ाई ने आज ये स्थिति पहुंचा दी। ठीक है, चलिए, तो आपको दिक्कत होती, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? चलिए आप तर्क रखें, लोग हैं आप लोग, बिल्कुल व्यवहार नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी आपको डिबेट में मैनर को समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस कार्यालय है नहीं, बोलेंगे दिस इज माय टर्न, नहीं आपकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ। चलिए अपनी बात, पांडे जी अपनी बात आपके साथ है, पांडे जी अपनी बात, मेरे को समझ में आ रही है बौखलाहट क्यों है। पांडे जी अपनी बात रखिए। चलिए जी, बौखलाहट होती तो मैं भी स्टॉप पे रख देता ना कोयला और चाय बना लेता, मेरी बौखलाहट नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। जब मैं बोल रहा था चाय की दुकान से चाय बनाने का ही काम कर सकते हैं। चलिए चलिए बात रखिए। अरे तो आपकी दुकान में यहाँ बता दूंगा तो आपको शर्म आ जाएगा। दुकानदारी हमारे लिए सेवा है, राजनीति आपके लिए दुकानदारी हो सकती है, हमारे लिए सेवा है महाराज, यही तो फर्क है। आप राजनीति को दुकान समझते हैं, हम राजनीति को सेवा समझते हैं, यही फर्क है आप में और हमारे। ठीक है, चलिए चलिए, ये मतलब साबित किया। चलिए उत्तर प्रदेश और ये सब छोड़िए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया इस पर बताइए। हाँ जी, अच्छा प्रदर्शन हुआ है यहाँ, शानदार प्रदर्शन हुआ है। आप छिंदवाड़ा देखिए, छिंदवाड़ा से हार गई है कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा एरोगेंसी दिखा रही है, 99 सीट पे बैठी है कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए 99 सीट, 328 पर लड़ने वाली 99 में बैठी है और 244 वाले को बोलती है तुम फेल हो गए हो, मैं पास हो गया हूं। दो गठबंधन ने चुनाव लड़ा मोहन जी, फिर से सुनिएगा, दो गठबंधन ने चुनाव लड़ा, एक इंडी गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन 294 में बैठा है, इंडी गठबंधन 232 में बैठा है, और इंडी गठबंधन कह रहा है कि एनडीए गठबंधन हार गया। ये कौन सा कैलकुलेशन है, ये पंजाब में सिखा सकते हैं, हम तो यहाँ नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करती है भारतीय जनता पार्टी, 150 बार
चलती हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के उखाड़ के फेंक दिया गया। 106 बार संविधान संशोधन हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 80 बार स्वयं किया। ये भी मणिपुर की बात कर रहे थे, सिखों के गले में टायर डाल के जलाने वाले लोग आज मणिपुर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर संदेश खाली की बात क्यों नहीं करते, उसमें मुंह में क्यों घी जम जाता है? छत्तीसगढ़ में जब युवा निर्वस्त होता है तब चावला जी कहां चले जाते हैं? बात नहीं है, विषय ये है जनादेश आ गया, जनादेश को स्वीकार करो। जनादेश किसके पक्ष में है? एनडीए के पक्ष में है। क्यों नहीं स्वीकृति हो रही है? आप क्यों बोल रहे हैं कि हम जोड़ तोड़ करेंगे? आपको जोड़ कर करने की आवश्यकता है? आप कर सकते हो, आपके खड़गे जी ने क्या दिया? पार्टियों को तोड़ने का काम आप करते हैं, हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में सबसे ज्यादा खरीद तो आपने किया है। चलिए चलिए, जोड़ तोड़ की बात आ रही है तो पांडे जी और चावला जी, जोड़ तोड़ की बात आ रही है तो वेणुगोपाल जी का एक बयान आया है जो कि महासचिव हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। एवरी मीडिया पर्सन इज बैड, बट कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया, सम ऑफ द मीडिया, दैट्स व्हाई द ऑल एक्सिट पोल, हाउ कैन इट कम लाइक दैट? वी कैन अंडरस्टैंड 3-4 दिस वे, 1 or 2 दिस वे, दिस एंटायर एक्सिट पोल इज टेलिंग 420। What happened? Therefore, now I think we are really thankful the way in which our leader Rahul Gandhi fight against these fascist forces. Now the people of India are realizing it. His caliber, his innocency, his affection towards the poor, everything is recognized by the Indian people. So we are very glad, we are very thankful to them. We are going to convene a meeting tomorrow evening. We will take a final call after discussing with the other partners. ठीक है, चलिए। तो वेणुगोपाल भी यही संकेत दे रहे हैं कि कल हमारी मीटिंग होने जा रही है और इंडिया गठबंधन ये तय करेगा कल की मीटिंग के बाद कि किस तरीके की स्थितियां बनेगी। रणनीतियों का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन जरूर ये संकेत है कि कल की मीटिंग में सरकार बनाने के प्रयास पर भी चर्चा होगी। अनिल जी, इसकी कितनी संभावना है और चांसेस कितने हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है, दावा पेश कर सकता है राष्ट्रपति के पास? नहीं नहीं, दावा पेश करने लायक स्थिति तो उनकी कल शाम को पता चलेगी, जब वो ये तय करके, वो जो दो हैं जिनको डाउट किया जा रहा है उनसे बातचीत करेंगे, अगर वो कुछ संकेत देते हैं तो शायद ये अपना दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन इंडिया एनडीए के पास तो साफ साफ बहुमत है, वो तो अपना दावा कल पेश कर ही देगी। नहीं, उनके साथ अगर उनके गठबंधन के साथ ही नहीं आए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई संकेत है नहीं, लेकिन एक संभावना 40 सीटें और चाहिए करीब इनको, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन को करीब 40 सीट चाहिए, अगर वो आ भी जाते हैं तो फिर भी 5-7 सीटें कम हो रही हैं, इसलिए संभावनाएं बहुत क्षीण है। और इतना बढ़िया मैंडेट मिला है दोनों पार्टियों को कि उनको बैठ के अपना आत्ममंथन करके देश को ठीक से चलाना चाहिए। अब उसमें जोड़ तोड़ करेंगे, ये 10 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन होगा जो देश के लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। और जिस तरीके से अभी चारों तरफ हमारे बॉर्डर के लोग हैं, कोई बंकर बना रहा है तो कोई कब्जा कर रहा है, ये सब सांप की तरह उछल आएंगे। तो इन सब चीज को भी ध्यान रखना चाहिए पॉलिटिशियन को, सिर्फ गद्दी पाने के लिए इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। कोई ऐसे गठबंधन की सरकार ना बने जिसमें कि रोज लड़ाई जैसी स्थिति हो, ये सब चाहते हैं। एक आखिरी चरण में हम इस बारे में बात कर लेंगे कि अब जो है वो नया घोषणा पत्र बनेगा क्या, क्योंकि नए जो गठबंधन है उनका अलग से घोषणा पत्र नहीं था। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेंगे क्या, उस हिसाब से काम करेगी बीजेपी? एक तरीके से बंद सी जाएगी क्या वो मोदी सरकार जो कि स्वच्छंद होकर निर्णय लेती थी? निशिकांत जी। नहीं नहीं, देखिए, हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार भी थी 2014 में और 2019 में, तो भी एनडीए हमारे साथ था, एनडीए का गठबंधन के साथ हम काम कर रहे थे, अभी भी एनडीए के साथ ही काम होगा, कोई बंधन वाली बात नहीं। हमारा ब्लूप्रिंट क्लियर है, हमारा घोषणा पत्र सबके समक्ष है, उसको स्वीकार करके ही सारी गठबंधन हमारे टीम में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। तो ऐसा किंतु परंतु वाला कोई विषय नहीं है, सशक्त भारत और विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े थे और इस काम को हम बखूबी तरीके से करने वाले हैं। और 5 साल ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सशक्त रूप से चलने वाली है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को लगता है वो एक प्रयास कर सकती है अपनी,
उसको प्रयास करने का खुला छूट है, लेकिन ये जो मैंडेट है एनडीए का मैंडेट है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा 293-294 पे हम बैठे, हमको 272 चाहिए था। तो एनडीए के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, और 5 साल हम सशक्त सरकार चलाने जा रहे हैं। जी मोहन जी, ठीक है, चलिए। अमेठी में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले अशोक गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमान संभाली थी, ऑब्जर्वर बन के गए थे, और छत्तीसगढ़ से तो भूपेश बघेल ऑब्जर्वर थे रायबरेली के। क्या कहते हैं अशोक गहलोत, शायद बीमार हैं, लेकिन उन्होंने अपना बयान दिया है, सुनते हैं क्या कहा है गहलोत ने। ये चुनाव जो है एनडी गवर्नमेंट वर्सेस जनता का बन गया, आम जनता की भागीदारी इसके अंदर रही, और जब जनता उठ खड़ी होती है तो फिर आप जानते हैं नतीजे क्या आएंगे। तो आज ये आम जनता की जीत है देश के अंदर, और देश हित के अंदर भी परिणाम है। मैंने मीडिया को भी कहा, और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी, तो वहाँ खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी, तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और डबल डिजिट में आ रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पर विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वापस बदला लेने का, वही हुआ है राजस्थान। तो राजस्थान और अमेठी में जीत के एक बड़े शिल्पकार के रूप में सामने आए हैं अशोक गहलोत, जिनकी सरकार के काम आज भी वहां के लोग याद करते हैं। उनकी सरकार तो चली गई, लेकिन इस बार उनको लोकसभा में फायदा मिला है। अशोक गहलोत के बयानों से क्या कुछ हम समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, गहलोत जी की भूमिका राजस्थान में क्या देखते हैं? राजस्थान में जो सीटें आई हैं कांग्रेस को, क्या उनकी सरकार की वजह से आई होंगी? क्या होता है मोहन जी की, जैसे आक्रोश, एक बार आक्रोश था और उन्होंने जनता ने उसको मतदान करके आक्रोश निकल गया। अब ऐसा नहीं था, गहलोत जी का काम वहां पर काफी कुछ लोग पसंद करते थे, तो जब लोकसभा का मामला आया तो उन्होंने उनको उसको प्रतिसाद उसको मिल गया है ये स्थिति। क्योंकि देखिए वहां के जो अभी मुख्यमंत्री बने, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाए कि लोग उनसे नाराज हो जाएं। ये तो आक्रोश निकलने के बाद जो मैंडेट आया है उसको गहलोत जी को उसका फायदा मिला है। आक्रोश निकलने के बाद सबसे बढ़िया एक बात कोई कर नहीं रहा है कि विष्णुदेव साय ने जिस तरीके से झारखंड में और उड़ीसा में मेहनत की है, उसका सुखद परिणाम पे कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। जबकि वो सबसे बढ़िया परिणाम उन्होंने तो लोग विधानसभा भी जीत ली, लोकसभा में भी उनकी अच्छी स्थिति आ गई, झारखंड में भी वही स्थिति आई होगी, अच्छी पहले से अच्छी परिणाम आए हुए हैं। तो ऐसे हमारे विष्णुदेव साय का निश्चित ही कद बढ़ेगा, और यहाँ पर भी उन्होंने करीब करीब 10 सीटें तो जीते ही ली हैं, 1 सीट कोरबा की मिसेज महंत के नाम पे गई है, बाकी तो 10 उन्होंने जीत ही ली है। कुल मिला के स्थिति ये बन रही है कि सरकार बनाने की स्थिति में अभी तो एनडीए है और वो बनाएगी भी। इंडिया गठबंधन के साथ प्रॉब्लम ये है कि कल इनकी मीटिंग के बाद नेता को तय करने के मामले में काफी कुछ मतभेद हो जाएंगे, जिसको लेके अब देखिए कल क्या होता है इनकी मीटिंग में। नेता कौन होगा, ये सवाल चुनाव के पहले भी पूछा जाता था, बाद में भी पूछा जाएगा। अमरजीत जी, बड़ा सवाल, टेढ़ा सवाल, क्या जवाब होगा इसका, कैसे तय होगा कौन नेता है? 40 गठबंधन के साथी हैं आपके। देखिए चिंता हमें इस बात की नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, शपथ कौन लेगा, चिंता हमें इस बात की है कि देखिए इनकी बौखलाहट ऐसी थी कि परिणाम आने के 2 दिन पहले आनंद फानंद में
मोदी जी आए, अधिकारियों की बैठक ली, 100 दिन के प्लान पे चर्चा की, कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, अपने चहेतों को ठेके का आवंटन किया गया, कुछ नीतियों में बदलाव किया गया, इस देश के एक पावरफुल मंत्री ने कलेक्टरों से बात की, अमूल दूध में 2 रुपए का रेट बढ़ गया, टोल टैक्स के रेट बढ़ गए, यहाँ बिजली के दर बढ़ गए, पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ाने की तैयारी थी, एक बयान से शेयर मार्केट में अडानी को फायदा पहुंचा दिया गया, उसका दुष्परिणाम आज ये हुआ कि आज कई लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। हमें चिंता इस बात की है कि ये नहीं सुधरेंगे। सरकार बनना अपनी जगह है, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और धर्म के नाम से आपस में लड़ाने का काम नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार बने, इस देश के लिए बने, इस देश के विकास के लिए बने, इस देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए बने, इस देश की महिलाओं को सम्मान देने के लिए बने, इस देश के किसानों का, अन्नदाता भाइयों का हक देने के लिए बने। हम तो ये चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, महंगाई कंट्रोल हो, GDP की दर ठीक हो, हमारा रुपया डॉलर से भी ऊपर जाए। हम तो ये चाहते हैं सरकार बने, अच्छे से बने, पर इनकी नीयत में खोट है। हमें मालूम है कि ये अच्छी सरकार नहीं चला सकते। इन्होंने जुमलों का इतिहास बताया है, झूठ का इतिहास बनाया है, बताया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनको कड़ी फटकार भी लगी है, ठोकर भी पड़ी है। अगर इससे चेत जाते हैं तो ये हमसे सीख लें कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे बहुमत में जनसंघ, तो भी हमने उनको कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था। जब अटल जी की तबीयत खराब हो गई थी, राजीव जी ने एक बहाने से एक प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बना के अटल जी को विदेश इलाज के लिए भेजा था। ये लोकतंत्र का सम्मान होता है। ये क्या करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, मीडिया कॉरपोरेट घराने के माध्यम से देश को खराब करने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ में लेकर इस देश के विकास के लिए सनातनी परंपरा जिसमें कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, उस भावना के साथ काम करना। विश्व का कल्याण करने की भावना से काम होगा क्या, निशिकांत पांडे जी से सुन लेते हैं। बिल्कुल वही भावना से काम हो रहा है, उसी भावना पे हम अग्रसर है। लेकिन मोती जी के लाल नेहरू जी से शुरू हुई पार्टी राजीव जी के लाल राहुल जी तक आ गई, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा इनका दिमाग से हट ही नहीं रहा है। गरीबी हटाओ का नारा हटा ही नहीं पा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं डॉलर रुपया के बराबर हो जाए या रुपया ऊपर हो जाए, तो काहे नहीं कर लिए रहे। 70 साल तो सरकार थी, 1 रुपया के बराबर आपको मिला रहा है, आप कहाँ ला के दिए रहे, आपके पास क्या टेक्निक था, क्यों नहीं किए थे उस समय। तो विषय यही है भैया, हमारे पास ना नाली से गटर से गैस बनाने की टेक्निक नहीं थी। हमने 15 लाख रुपए का और 2 करोड़ रोजगार का और काला धन लाने का झूठा जुमला नहीं दिया था। हम सच्चाई से बात करते हैं, आप झूठी बात करते हैं, व्हाट्सएप इंडस्ट्री की बात करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू के पास भी नहीं पटक सकते। उसने अपने जीवन का 10.5 साल जेल में बिताया था, और आप लोगों ने माफी मांग के अंग्रेजों की दलाली करने का काम किया था। अच्छा, हमारी और माफी नामा दिखाऊं क्या नेहरू का? माफी नामा दिखाऊं क्या नेहरू का? एक एक करके ये अब चुनाव नहीं है, अब परिणाम आ गया है। भैया डीजल पेट्रोल 35 रुपया कर रहे थे आप, 15 लाख रुपए सबके खाते में डाल देते हैं। चलिए चलिए, ओएसी ओएसी, चलिए ठीक ठीक ठीक, एक एक करके चावला जी आन दीजिए। चलिए, उन्होंने आपकी बात सुनी, आप अपनी उनकी बात बोल दीजिए, जल्दी बोलिए भैया। देखिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी जनहितैषी योजना हमने डिलीवर की, और अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति से पूछाया, जिसका परिणाम है कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बन रही है। और ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो कांग्रेस पार्टी 99 पे बैठी क्यों है, जब जनादेश आपके पक्ष में है, 328 सीट पर चुनाव लड़े हो, फिर भी शर्म नहीं आ रहा 99 में बैठे हो? 242 में आप भी 2 में हुआ करते थे, आपने भी 2 से शुरुआत की थी, तो ये अप एंड डाउन तो चलते रहता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसी को तो सीखना चाहिए कि हम इतने उत्खल ना हो जाए, इतने घमंड और अहंकार में ना डूब जाए कि जनता का परिणाम हमारे खिलाफ हो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, चलिए इसी से तो सबक लेने का समय है। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के कैबिनेट का अध्यादेश, अरे आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक बार अवतार बार हम सुन लेते हैं, ओएसी का बयान आ रहा है, प्रधानमंत्री हैदराबाद से चुनाव जी हैदराबाद से जीतने के बाद ओवैसी जी का बयान आ रहा है, काफी राजनीतिक है, सुनते हैं। सलीम को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीफी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लियामानी हलके की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इतिहास और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मर्तबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम
आवाम का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से ख्वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहां से एक तारीखी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और खास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का, और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही, और जो यहां के मौजूद लोग हैं, उलमा इकराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और हर तबके के से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीखी कामयाबी हमको ओवैसी साहब जो कि जीत कर आए हैं हैदराबाद से, और ये किसी गठबंधन में नहीं थे इसलिए इनको अन्य में गिना जा रहा है। जी पांडे जी, अगर आप आपको जी चलिए आपको शुक्रिया, आप और कहीं जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। एक अंतिम टिप्पणी हम अनिल चौबे जी की ले लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका शुक्रिया जी। ठीक है चौबे जी, ये ओवैसी साहब और इस तरीके के लोग जो सिंगल पार्टी वाले हैं, एक दो जीत के आए हैं, इन सब का क्या रुख होगा? ये अन्य जो हमें 18 दिखा रहे हैं, इनका क्या रुख आप देख पाते हैं इस पूरे सिनारियो में? देखिए अन्य अगर किसी एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वैसे हमेशा आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो लोग सत्ता की तरफ ही जाते हैं जो अन्य रहते हैं। अब असुद्दीन जी का ऐसा है कि वो तो हमेशा सिंगल रहे हैं और वो किसी पार्टी से जुड़ते नहीं हैं, वो अपना अकेला चलने का उनका शुरू से रहा है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो अन्य हैं वो उसी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं जिसका जनादेश, जिसको मैंडेट मिला है सरकार बनाने का। तो उसमें NDA के पास अभी स्थिति है, अगर कल शाम को NDA गठबंधन का अगर कोई मामला बनता है तो ये जो अन्य उधर भी जा सकते हैं, ये वेट करेंगे कि पल्ला किस तरफ भारी है। बिल्कुल। चलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वालों में बृजमोहन अग्रवाल के बाद विजय बघेल का नाम आया है और उन्होंने जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहा है जीत के बाद वो सुन लेते हैं। विजय बघेल दुर्ग से चुनाव लड़ रहे थे, राजेंद्र साहू को उन्होंने हराया है, क्या कुछ कहा विजय बघेल ने जीत के बाद, खुश नजर आ रहे हैं। चलिए विजय बघेल ने क्या कुछ कहा है वो कभी और सुनाएंगे, अभी चलते हैं आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि इस बार इस पूरे चुनाव के जीत के हीरो के रूप में कांग्रेस पार्टी सामने आई है और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ अमरजीत चावला जी हैं। जिम्मेदारी भी आप लोगों की बढ़ जाती है ऐसे में, अगर आप लोग विपक्ष में भी रहते हैं तो भी, और अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो भी, कांग्रेस अपनी आपकी भूमिका को कैसे देखती है अब आने वाले साल, 5 साल? देखिए हमारी भूमिका, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस देश की जो पहली प्राथमिकताएं हैं कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान हो, लोकतंत्र का सम्मान हो, आपसी भाईचारा और सनातनी परंपरा है जो वो बनी रहे, बरकरार रहे, इस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो, इस देश में अंकिता भंडारी जैसी घटनाएं ना हो, जाति धर्म के नाम से आपस में लोगों को लड़ाया ना जाए, किसानों को उनका हक मिले, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहे, बेरोजगारी का कोई सही बड़ा हल निकले, इस सारी बातों को लेकर इस देश के विकास के लिए जो भी प्रमुख भूमिका होगी, हम अपने इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के साथ मिलकर, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो, हम बहुत मजबूती के साथ इस देश के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आने वाले समय में कल की मीटिंग के बाद यह निर्णय लेंगे कि कल के बाद हमें किस दिशा में जाना है। ठीक है, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा, और कल कई चीजें और खुलकर सामने आएंगी, कई पत्ते खुलेंगे, कई दलों का रुख सामने आएगा, और अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद संबोधन भी होगा, तो उससे भी काफी हद तक चीजें पता चलेंगी। तो तीसरी बार क्या फिर से हमें देखने को मिलेगी मोदी सरकार
जीरो की कुछ और होगा, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और अनिल चौबे जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। और न्यूज़ से जुड़ी हुई सारी अपडेट के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। इलेक्शन के खबरें हम लगातार आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।